क्रिएटिव बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेंसुरेशन का चैप्टर 13.2 जो है पढ़ाने वाला हूँ। ओके, इससे पहले मैंने 13.1 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, अगर जो भी नहीं देखे हैं पहले जाके उसको देखिए, इसके बाद जो है इसको देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो भी बच्चा यूपी बोर्ड से अगर है तो वो ज़रूर पूरा वीडियो को देखे ताकि आपको अच्छे से मेंसुरेशन का जो है पोर्शन समझ में आ जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आप बताइए जरा, दो शंकु बनाए जो कि बेलन से सटा हुआ है, एक ऊपर है एक नीचे बेलन से। आपका जो है शंकु का प्रत्येक की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊपर दिया है नीचे भी 2 सेंटीमीटर दिया है। आपका दिया है टोटल जो है लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, आपका टोटल जो है 12 सेंटीमीटर है और ये जो है 2 सेंटीमीटर और ये दो है 2 सेंटीमीटर है। आप बेलन की ऊंचाई तो निकाल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सब समझिएगा, टोटल लंबाई दिया आपका 12, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर बराबर दोनों शंकु की ऊंचाई यानी कि 2h प्लस बेलन की, देखिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल H मान ले रहे हैं। ओके, बेलन की ऊंचाई आप जो है कैपिटल H मान लीजिए, समझ में आया, आप कैपिटल H मान लीजिए। आप यहाँ से एक बात बताइए, आप ये 12 सेंटीमीटर है, ये देखिए H का मान आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस कैपिटल H हो जाएगा। यहाँ पे आपका कैपिटल H कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आपका जो ये पोर्शन आपको हमको पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर दिया है। ये भी मालूम है कि व्यास जो है आपका दिया है, देखिए व्यास आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आप तो त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, 3/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, एक बात बताइए आप, जब भी हम शंकु की जो है आयतन निकालेंगे क्या निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे ना, एक शंकु इधर है एक शंकु इस तरफ है, यानी 2 × शंकु का आयतन। तो आप यहां से कह सकते हैं शंकु का आयतन बराबर 2 × शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब यहाँ से वैल्यू रख के पुट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, 2/3 पाई का मान रहने दीजिए। ओके दोस्तों, आर स्क्वायर का मान 3×9/4। अब देखिए शंकु का आयतन जो है हाइट कितना दिया है, आपको पता है शंकु का हाइट 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। ओके, और 2 × 2 2×4 2 × 2 2×2 3×9 आपका जो है 3π आ गया, 3π आपका शंकु का आयतन आ गया। अब इसी प्रकार से आप बेलन के जो है आयतन निकाल सकते हैं दोस्तों, बेलन की आयतन। ओके सॉरी दोस्तों, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब यहाँ से आप जो है सवाल को सॉल्व कर दीजिए, अगर आपको नहीं समझ दूसरा मार्कर यूज करने रहे हैं। देखिए पाई का मान रहने दीजिए गुणे आर का मान क्या दिया है 3/2 यानी कि 9/4 × एच का मान, देखिए एच का मान बेलन का जो है हाइट कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया, तो आप यहाँ 8 सेंटीमीटर रख दीजिए। देखिए 4 × 4 4 × 8 आप 9 × 2 9 × 2 18 सेंटीमीटर, आपको इतना तो समझ में आया है। अब अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालिए। ओके, यानी कि संपूर्ण अंतर्विष्ट हवा का आयतन,
हवा का आयतन या वैल्यूम, ओके क्या निकालेंगे आप? 18, देखिए ये 18 पाई में आएगा, ओके दोस्तों सॉरी 18 पाई, क्योंकि हमने पाई का मान तो नहीं रखा इसलिए 18 पाई रख दिया है। अब देखिए पहला क्या आया है, पहला जो है 3 पाई, यानी कि शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर देंगे, तो आप यहाँ शंकु का आयतन क्या निकला 3 पाई प्लस बेलन का आयतन निकला 18 पाई, ओके दोस्तों आप जोड़ेंगे तो 21 पाई आ जाएगा, 21 पाई यानी आप पाई का वैल्यू रख दीजिए 21 गुणे 22/7, ओके। अब देखिए 7 × 7 = 21, 22 × 3 = 66 आ जाएगा, ओके एकदम सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा पहले आप डायग्राम बनाइए, इसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है तरीका सोचिए। अब एक बात बताइए डायग्राम में ये देखिए कि क्या क्या बन रहा है, हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एक शंकु ऊपर है दूसरा शंकु नीचे है और एक जो है बेलन बीच में है, तो पहले क्या काम करेंगे शंकु के हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी व्यास दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर तो उसका जो है त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका बेलन का हाइट, मैंने जब इसका पूरा हाइट दिया है बेलन का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × शंकु के हाइट प्लस बेलन का एच यानी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया था, आप यहां से एच के वैल्यू यानी बेलन का हाइट निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां पे कुछ करना नहीं है, दोनों का फार्मूला रख कर फिर अंतर यानी दोनों को ऐड कर दीजिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ओके दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, दूसरा क्वेश्चन ये जो है अगर देखेंगे एनसीईआरटी किताब में तो पहला क्वेश्चन है, मैंने बाय मिस्टेक जो है पहला का दूसरा दूसरा का पहला क्वेश्चन लिख दिया हो, बट इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, करा एक ठोस अर्ध गोला पर खड़े एक शंकुआकार के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ओके दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक जो है शंकुआकार है जो कि गोला के ऊपर जो है टोपी की तरह पहनाया गया है, आपको जो है उसका हाइट जो है शंकु का हाइट बराबर गोला यानी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या भी बराबर दिया, कहने का मतलब शंकु का हाइट और त्रिज्या दोनों बराबर है, इसी प्रकार से गोला के भी त्रिज्या उसी के बराबर है। तो आइए पहले फिगर जो है खींचते हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर किस तरीके से बनेगा, पहले फिगर बनाना सीखिए इसके बाद सवाल को सॉल्व करिए। एक शंकु है ऐसे, ओके आपको ऐसे कह रहा है शंकु, देखिए ऐसे इसी प्रकार से होता है, देखिए ये मान लीजिए त्रिज्या है, इसी प्रकार से ये गोला ऐसे है, देखिए डायग्राम जो है थोड़ा सा उलट पुलट बन जाएगा तो वो इसको घबराने कोई जरूरत नहीं, ओके। ये देखिए गोला का त्रिज्या दिया है स्मॉल आर, ओके जो कि 1 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार से ये हाइट दिया है ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ओके। देखिए इसका हाइट बराबर इसके त्रिज्या के बराबर है, कहने का मतलब आपको ऐसे ज्ञात करना है शंकु की, देखिए शंकु की त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, त्रिज्या कितना दिया 1 सेंटीमीटर बराबर, आप कह सकते हैं शंकु के हाइट भी वही दिया है, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई यानी कि एच बराबर 1 सेंटीमीटर दिया, ओके दोस्तों। तो आप पहले शंकु का आयतन निकालिए, शंकु
का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, 1/3 πr² कहने का मतलब 1/3 रखिए, पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई की व्यक्ति में करना है, आर का मान 1 cm आर के स्क्वायर प्लस इंटू एक एक, ओके। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 1/3 πr। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, एक का मल्टीपल एक में करेंगे एक ही आएगा, इसीलिए हम 1/3 πr कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ गोला है, गोला भी कैसा है ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गोला यहाँ पे आपको दिया है कि अर्ध गोला है, ओके, यानी पूरा गोला नहीं दिया, अर्ध गोला है। अब मैंने गोला के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था, गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था कि 4/3 πr³, गोला का मैंने आयतन बताया था 4/3 πr³ होता है, यहाँ पे अर्ध गोला हो गया है तो 4/3 × 1/2 होगा, कहने का मतलब 2/3 πr³ कर सकते हैं, ओके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, गोला का आयतन पहले लिखिए आप, गोला का आयतन आपको बताया थे, गोला का आयतन होता है टोटल कहेंगे 4/3 πr³, कहने का मतलब 4/3 πr³। अब देखिए यह अर्ध गोला है ना, तो आधा से हम दोस्तों भाग देंगे, 1/2 से भाग दे दिए हैं, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, यानी कि अर्ध गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों, 2/3 πr³, ओके। आप यहाँ से कह सकते हैं अर्ध गोला का आयतन 2/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे आप जो है सवाल को सिंपली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2/3 है, पाई है, इनटू आर का मान 1 दिया है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का आएगा, यानी इसका आपका फाइनली आ गया 2/3 πr, ओके। आपको क्या ज्ञात करना है कि जो है बराबर है इस ठोस का आयतन जो कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, इसलिए हम कह सकते हैं ठोस का आयतन, ओके दोस्तों, ठोस का आयतन आप क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन निकालेंगे प्लस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। हमको पता है शंकु का आयतन 1/3 πr² निकला है, 1/3 πr, और अर्धगोले का आयतन निकला है 2/3 πr, ओके दोस्तों। देखिए 2/3 πr, अब ध्यान समझिए, डिनोमिनेटर सेम है यानी नीचे का सेम है, आप ऊपर का जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यानी कि 3/3 πr। अब एक बात बताइए, 3 से 3 कट जाएगा, आप में जो है फाइनली मेरा आंसर आ गया पाई के पदों में, इतना आंसर आपका आ जाएगा, ओके। यही आपको दिखाना था, क्वेश्चन जब भी ऐसा कहेगा कुछ भी नहीं करना है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार है जो कि अर्ध गोले पे जो है पहनाया गया है, आपको इसको जो है पाई के पदों में व्यक्त करना है, तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि शंकु का जो है हाइट 1 cm है बराबर शंकु की त्रिज्या के ही 1 cm है, तो आप यहाँ से फाइनली जो है शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², फिर उसके बाद अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 πr³, और दोनों को निकाल कर फिर जो है ठोस का आयतन निकालेंगे, यानी कि पाई के पदों में व्यक्त करना है, तब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, जो भी आएगा पाई के पदों में व्यक्त की दीजिए, ओके। आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा, ओके। आइए चलिए जो है गुलाब जामुन का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए गुलाब जामुन का जो है आते ही मन में पानी आ जाता है कि काश गुलाब जामुन मिल जाए, 1 या 2 खा ले, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैजुअली देखा जाए तो आप जो है पैसा लिए रहेंगे, दुकान पर जाएंगे तभी खा सकते हैं, वैसे तो नहीं खा सकते, बस एज्यूम कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो आप एज्यूम करके ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है संलग्न चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। देखिए 30% चीनी की चाशनी मतलब सिरका में ही गुलाब जामुन जो है डुबोया जाता है। अब इसके बाद कर रहा है 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी
लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन दिया पहले इसका डायग्राम बनाइए। देखिए गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में जो है 30% जो है चाशनी यानी सिरका डुबाया गया है, आपको 45 गुलाब जामुन दिया हुआ है और जो है दोनों का जो है देखिए इसका जो है पहले फिगर पहले डायग्राम बनाइए इसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम जो है इसी प्रकार से बनेगा, एक गुलाब जामुन है तो कैजुअली ऐसे ही हो जाएगा। ओके आप देखिए ध्यान से, टोटल लंबाई आपको दिया है कितना दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया आपको कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। एक बात बताइए ये अर्धगोला है ना, ये भी अर्धगोला है तो ये क्या होगा स्मॉल यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या जो है 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके ये भी आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बात बताइए आपका टोटल लंबाई इतना है तो आपको जो है ये यच निकालेंगे यानी इसकी लंबाई निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। ओके 5 सेंटीमीटर दिया है बराबर क्या करेंगे 2 इंटू त्रिज्या आर प्लस यानी इसका हाइट यानी इसकी लंबाई ये बेलन की लंबाई। ओके आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। आप देखिए ध्यान से ये 5 है इसका गुण ये आर का मान क्या दिया है 1.4 प्लस एल, आप यहां से एल का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके ये आपका बीच वाला भाग जो है 2. देखिए मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये बीच वाला जो है लंबाई आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ओके एक बात बताइए आपका इतना आ गया है तो आप पहले क्या निकालेंगे, आप इसमें जो है कुछ भी पहले निकाल सकते हैं, आप बेलन का जो है या आयतन निकालिए या शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन निकालिए। ओके दोस्तों देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या निकालेंगे क्या है सॉरी शंकु कहाँ दिया इसमें, इसमें तो अर्धगोला है ना, एक दो यानी अर्धगोले का आयतन क्या निकालेंगे दोस्तों अर्धगोला का आयतन। ओके आप अर्धगोला का आयतन निकालेंगे 2 इंटू अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का होता है 2/3 πr³। ओके पाई आर क्यूब तो आप यहां से वैल्यू रख दीजिए 4/3 मल्टीपल पाई का वैल्यू रखेंगे पाई का वैल्यू रख दीजिए। ओके दोस्तों तो 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है दोस्तों, आर का मान 1.4 दिया है यानी कि क्यूब होगा ना 14/10 गुड़े 14/10 गुड़े 14/10। ओके दोस्तों आप यहां से 7 एकम 7 साधुनी के 14 काट सकते हैं, अब यहां से कुछ नहीं काटते हैं, अब इसका जो है आप जो है हल करेंगे। ओके तो अर्धगोले का जो इसका जो है हल करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 2 5 10 ओके 2 ग्राम 11 22 2 5 10 अब 2 दुनी के 4 2 5 10 तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 11 दुनी के 22 देखिए 22 × 196 ओके दोस्तों बटे 50 25 125 125 में 3 का गुणा करिए 3 5 15 3 2 6 1 7 3 1 3 375 आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना अर्धगोला का आशा करता हूँ जो है बहुत बड़ा इसलिए हम लिख दे रहे हैं 11.499 आ जाएगा 11.499 ओके सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैलकुलेटिव है थोड़ा से, आप जो है अपने से क्वेश्चन को कैलकुलेट करिएगा आपको खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अर्धगोले का निकल गया तो आप बेलन का आयतन तो निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या लिखेंगे दोस्तों, बेलन का आयतन क्या बताए थे आपको पाई आर स्क्वायर एच, देखिए पाई आर स्क्वायर एच तो आप वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुड़े पाई का मान 22/7
अरे सॉरी सॉरी, आर का मान कितना दे 1.4 यानी कि 14/10 गुणे 14/10। ओके देखिए 1.4 है ना, तो 10 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 14/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दिया है, देखिए एच का वैल्यू ये दिया 2.2 सेंटीमीटर। ओके यानी कि 22/10। एक बात बताइए, आप यहाँ से काटेंगे 7 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 10। एक बात बताइए, 11 = 77, 77 में 22 का गुणा करेंगे यानी कि 22 × 77 / 125। आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आशा करता हूँ आपको जो है सॉल्व करने पे जो है 13.552 आएगा, 13.552 आ जाएगा। ओके सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों आप एक बात बताइए, इतना आ गया, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 45 यानी कि टोटल आयतन पहले निकाल लीजिए। ओके टोटल आयतन यानी कि संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बात बताइए, संपूर्ण आयतन निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु सॉरी बेलन का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 11.499 आया है, 11.499 प्लस बेलन का आयतन क्या दिया 13.552, तो ये आप जोड़ेंगे तो 25 दशमलव आपका आ जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, इसलिए हम जो है क्वेश्चन को जो है जोड़ दे रहे हैं। ओके आप अगर नहीं समझ में आए दोनों को जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों देखिए 9 × 2 = 11, 9 × 5 = 14, 15, 5 × 4 = 9, 10 हाथ में लगा 1, 3 × 1 = 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ओके यानी कि आपका 25.051 आ गया है। आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात बताइए, आपका जो है टोटल आयतन इतना आ गया। अब उसमें पूछा है कि 45 गुलाब जामुन, अगर किसी भी दुकान पर आप जाएंगे अगर कहेंगे 4 रुपया के 16 टॉफी मिलता है तो 5 रुपया कितना टॉफी मिलेगा, पहले 1 टॉफी के निकालेंगे यानी 16/4 करेंगे यानी 4 टॉफी आ गया, तो 5 का गुणा उसमें कर देंगे 5 के 20। इसी प्रकार से यहाँ 1 का आया है 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन के क्या करेंगे यानी कि मल्टीपल कर दीजिए यानी इस पे आप गुणा कर दीजिए 45 गुलाब जामुन, जामुन 45 गुलाब जामुन का मान क्या करेंगे 45 × 25.051 आपका जो है गुणा करेंगे तो आपका जो है मान कितना आ गया 11.27295। ओके इतना आपका आ जाएगा। अब इसका जो है आपको बोला 30%। एक बात बताइए आप, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो है 30% यानी 30% ऑफ ये 11.27.11.27.295। ओके आप यहां से निकाल सकते हैं 30/100 गुणे 11.27.295। ओके तो 0 से 0 कट गया और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 × 5 = 15 की 5 × 1 = 3, 27 × 28 = 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8 और 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 8, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3। एक बात बताइए, 3 अंक पे दशमलव है और 10/10 है तो 4 अंक पे दशमलव लगने का मतलब 1, 2, 3, 4 आपका जो है इतना दशमलव लग जाएगा यानी आपका जो है फाइनली 338 आंसर आ जाएगा। ओके
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा से लेंदी है और जो है ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका पूछेगा तो कम से कम 6 नंबर का तो मैक्सिमम नंबर आएगा ही। ओके क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक गुलाब जामुन है दो जो कि एक जो है चिपट कर यानी कि थोड़ा से इससे होकर इसका आकार ले रहा है, तो इसका आकार ले रहा है तो दो तरफ अर्धगोला बन जा रहा है और एक जो बीच में बेलन बन जा रहा है। तो आपको जो है टोटल लंबाई 5 दिया है तो बेलन का मात्र निकालेंगे 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको दिख रहा है दो अर्धगोला है, दो अर्धगोला निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × अर्धगोले का आयतन यानी 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका वैल्यू इतना आ जाएगा और फिर इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ओके आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको नोट करिए। आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जो है 4th क्या कह रहा ये कलमदार है जो कि कोई लकड़ी में जो है धंसा हुआ है। ओके जैसे इस प्रकार से बना हुआ है, आपको जो है इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या करेंगे दोस्तों, आइए जो है शुरू करते हैं। देखिए ये कैसा बन रहा है, एक शंक्वाकार बन रहा है और जिसका जो है ये बीमाएँ दिया है। पहले एक बात बताइए, आप बीमाएँ दिया है यहाँ पे, देखिए बीमाएँ क्या दिया है दोस्तों, 15 × 10 × 3.5। देखिए इसका मान यानी कि लंबाई होता है, ये जो है चौड़ाई होता है, ये जो है हाइट होता है। आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, इस तरह किसे करना है कि घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी कि घनाभ का लंबाई करो। ओके घनाभ की लंबाई क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, घनाभ का हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके तो आप यहां से निकाल लीजिए घनाभ का आयतन, ओके दोस्तों घनाभ का आयतन निकाल लीजिए 15 × 10 × 3.5 यानी इसका फाइनली आ जाएगा। देखिए 10 का गुणा करेंगे 35 हो जाएगा, 35 का 15 में गुणा करो 15 × 75 = 5, हाथ में लगा 7, 15 × 45 = 7, 52। ओके इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आप क्या बना ये आप बता सकते हैं। ओके आप देखिए यहाँ पे एक शंक्वाकार बन रहा है तो आप क्या करेंगे, शंक्वाकार का आयतन निकाल लीजिए 1/3 πr²h। एक बात बताइए 1/3 है गुणे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान क्या दिया है 0.5 का मतलब 1/2 × 1/2। ओके एच का मान कितना दिया है, एच का मान आपको दिया है त्रिज्या इतना दिया और जो हाइट इतना दिया है गड्ढे की गहराई इतना यानी कि 14/10। ओके आप यहां से काट दीजिए 7 × 7 = 14, 2 × 2 काट दीजिए, 2 × 2 काटेंगे 11 हो जाएगा यानी कि 11/30। देखिए 11/30 मतलब 1.1/3। एक बात बताइए आप जो है चार है तो चार कलमदार है तो आप क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे यानी ये आपका आ जाएगा 4.4 यानी कि 3 × 3 4.4 कर दीजिए दोस्तों 3/4। आप इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 1/3 × 12 3 × 6 = 18 यानी इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको जो है कलमदार भाग की जो है आयतन ज्ञात करना है। देखिए ये आप ऐसे कर सकते हैं कलमदार के भाग का आयतन
क्या करेंगे दोस्तों, टोटल में से आप छोटा वाला घटा देंगे, ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये ध्यान समझिएगा, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब आता है। आपका ये दिया 525 माइनस 1.46। अब देखिए घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि 525 से दशमलव यहाँ 0.0 ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1.46, ओके। अब एक बात बताइए, ये 0 में से 6 नहीं घटेगा, कैरी लेगा, ये नहीं ये कैरी लेगा, यानी 10 हो जाएगा, 10 में से यानी ये 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, ये 9 में से 4 घटा 5 आएगा, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 घटा 3 हो जाएगा, यानी कि 523.54। आप यहाँ से लिख सकते हैं मेरा फाइनली आंसर 523.54 आ गया आंसर, ओके, सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। ध्यान समझिए, ये ऐसे दिया आपको कुछ क्वेश्चन, एक कलमदार, देखिए चार कलमदार बन रहा है, तो पहले इस शंक्वाकार का जो है आयतन निकालेंगे, चार कलमदार बन रहा है, चार का गुणा कर देंगे, और जो है आपका जो है घनाभ का आयतन मैंने बताया था एल इंटू बी इंटू एच होता है। आप यहाँ घनाभ का आयतन निकालिए, फिर शंक्वाकार का आयतन निकालिए, फिर उसके भाग यानी जो बचा हुआ भाग है उसका निकालेंगे, क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो मेरा फाइनली आंसर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ओके दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।